ने आज तक बहुत तरीके के रस पी होंगे लेकिन कभी लड्डू का रस नहीं पिया होगा। क्या देखो तुम शक्ल ये दिखा रहे हो, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा तुमसे बात करने में, शक्ल दिखा रहे हो वरना मैं तुम्हें रिमूव करूँ। चलो बाय। ओए मैं गिरी। बस बेटा बस, इससे ज्यादा नीचे हम नहीं जा सकते हैं। सो गाइस, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज ये कहाँ पे है, इतने छोटे से रूम में और इसकी आवाज भी गूंज रही है। तो मैं हूँ अपने वॉशरूम में और मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स इन वॉशरूम चैलेंज, जिसमें मैं 24 घंटे तक इस छोटे से वॉशरूम में रहूंगी। और बाय द वे, ये वॉशरूम ऐसा नहीं था, इसे मैंने घिस घिस के साफ किया है, बट फिर भी ये अभी भी रहने लायक तो नहीं बना है। तो पहले मैं इसे पूरा डेकोरेट करूंगी, अपना सारा सामान इसमें सजाऊंगी, उसके बाद ही हमारा चैलेंज शुरू होगा, क्योंकि सजाने के लिए मुझे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो पहले से सजाना शुरू करते हैं, अपना सामान जमाना शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारी डेकोरेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और मैं इसको आज पूरा मुन्नी भाई का घर बना के रहूंगी। समझ रहे हो? समझ चुके होगे मुन्नी भाई का क्या। तो मैं ये झालर निकल भी नहीं है, झालर झूलर सब लेकर बैठी हूँ। और देखो मैं कैसा सजाऊंगी, बहुत आइटम बनाऊंगी अपने बाथरूम को। भाई 24 घंटे रहना है निशु तिवारी को, ठीक है, निशु तिवारी को 24 घंटे रहना है, छोटी बात तो नहीं है। मिलते हैं, डेकोरेशन करते। और काफी चीजें इसमें मैंने रख दी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे मैंने इसे अपना मिनी बेडरूम में कन्वर्ट किया है। तो आप लोग इधर आओ। तो यहाँ पे मेरी काफी सारी डेली बेसिस की चीजें हैं जो मैं यूज करती हूँ, वाओ के प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे है मेरा मेकअप, बिकॉज मुझे भी रील्स वगैरह बनानी होंगी। और यहाँ पे काजू, यहाँ पे किशमिश, ब्रश, कोलगेट। और देखो कितनी कोशिश कर लो बाथरूम ही रहता, तो थोड़ी बहुत स्मेल आएगी। उसके लिए मैंने रखा है यहाँ पे परफ्यूम, ताकि मैं छिड़कती रहूँ। वैसे तो ओडोनिल लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने रैप कर दिया क्योंकि टाइल्स यार इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, मेरा घर नहीं है, नेट पे है, जज मत करना। और यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया है शो पीस के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसका कोई सेंस तो है नहीं, पर ऐसे ही लगा दिया क्योंकि मतलब थोड़ा होम वाली फील है। और ये है मेरा मिनी सोफा जिसको मैंने कमोड पे बनाया है, कमोड फ्रेम में ना दिखे और थोड़ा जीप ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बीन बैग लगा दिया। और मैं हम मस्त बैठ गया, अब लैपटॉप पे फिल्म देखने वाली हूँ और अपना सारा काम करने वाली हूँ। तो गाइस अभी बज रहा है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो अब से मेरा चैलेंज है जो वो स्टार्ट हो चुका है और अब मैं मतलब अगले 24 घंटे तक यहाँ पे रहने वाली हूँ और करने वाली हूँ। एंड गाइज, बाकी का जो मेरा सामान है, सॉरी मेरा जो बाकी का सामान है वो है ये, यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन पे रख दिया है। ये है मेरा खाना, ये कुछ मेरे स्नैक्स, कुकीज, लड्डू, मट्ठी, और ये चौकोज है, पानी की बॉटल है और नमकीन वगैरह है। तो वो सब मैंने यहीं पे रख रखा है, तो मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं यहाँ से उठाऊंगी, यहीं पे खाऊंगी और यहीं रख दूंगी और यहीं मर जाऊंगी, मजा आएगा। लेकिन एक चीज की दिक्कत होने वाली है कि अप्रैल की गर्मी है भाई, बहुत गर्मी लग रही है वॉशरूम में, बहुत तगड़े वाली। तो ये चैलेंज सबसे बड़ा होने वाला है कि गर्मी कैसे झेलने वाली हूँ मैं। गाइस, इस वॉशरूम चैलेंज के चक्कर में मेरे पूरे फेस की ऐसी बैंड बजी हुई है, मतलब इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है कि अगर मैं थोड़ी देर और ऐसी बैठी रही ना तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पाऊंगी कि सच में ये मैं ही हूँ ना। तो अभी टाइम है अपना फेस क्लीन करने का, जिसके लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का एप्पल सीडर विनेगर रेंज प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूंगी एप्पल सीडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश से। ये मेरे पोर्स को प्योरीफाई और ब्लैकहेड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और साथ ही मेरे फेस पे ग्लो लाता है। और यार उसके बाद मैं अपने स्किन पे ये वाओ का 10-in-1 मिरेकल ACV मिस्टोनिक अप्लाई करती हूँ, बिकॉज ये पूरा दिन मेरी स्किन को हाइड्रेट और रिफ्रेशिंग रखने में बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद मैं यूज करती हूँ एप्पल सीडर विनेगर फेस मॉइस्चराइजर, जो ऑयल फ्री है और स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और मेरी स्किन को हाइड्रेट रखता है और फेस पर एक्ने की वजह से होने वाली रेडनेस को भी कम करने में हेल्प करता है। एंड गाइस, वाओ के सभी प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, मतलब नो सल्फेट, नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन, ओनली प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। एंड गाइस, वाओ के सभी प्रोडक्ट के पीछे उनका एक QR कोड दिया होता है जिसे स्कैन करके आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को जान सकते हो। वाओ की ऐप भी है, वहां से ऑर्डर करने पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएंगे। और गाइस, इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां
वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। और ऑर्डर करते वक्त आप मेरा कूपन कोड डाल देना निशु तिवारी व्लॉग्स, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। तो गाइज अभी मैं रेडी वेडी हो चुकी हूँ, फेस वॉश वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है, मेकअप मैंने डन कर लिया अपना, तो मतलब कुल मिलाकर फुल एंड फाइनल हो गया है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मेरे पास कोई काम नहीं है आज करने के लिए, बस वॉशरूम में पड़े रहना है और अभी तो सिर्फ 1:30 बजे है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ है नहीं करने के लिए, तो आज मैं अपनी सारी मूवीज फाइनल करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ, जो जो मेरे को था कि यार मैं देख लूँ, बट बिजी थी तो नहीं देख पा रही थी। अगर आप लोगों के पास भी कोई मूवी हो जो बहुत अच्छी हो तो प्लीज सजेस्ट कर देना कॉमेंट करके। तो गाइज अभी मेरी चल रही है मूवी जिसका नाम है लूडो, राजकुमार राव की, पंकज त्रिपाठी जी की। ये मूवी मैंने आधी देख ली थी और आधी बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि मैं कुछ काम करने में लग गई थी, तो मैं देख ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी तो हम देखते रहेंगे, अभी तो पूरा दिन बाकी है। जो आदमी पेशाब करके बिना तो हैंडशेक कर ले वो आदमी गलत है। तो गाइस मेरी मूवी तो हो चुकी है डन और मेरी हालत भी हो चुकी है डन, बट कुछ ऑप्शन नहीं है। और थैंक गॉड कि मैंने अपने पास वाइप्स रख लिए थे, बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है इस बाथरूम में, ऐसा लग रहा है कि सारी गर्मी इस बाथरूम में पड़ रही है और कहीं पे भी नहीं पड़ रही। और अब मुझे लग रही है भूख, तो पहले कुछ खाएंगे। 1 घंटा गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी मैं कोई चैलेंज वैलेंज करती हूँ तो ये टाइम मेरे को इतना पता क्यों चलता है। मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी बीत जाए, जल्दी जल्दी बीत जाए, तो देखो टाइम 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, 40 मिनट हुआ। तो देख लो भाई मैं बिल्कुल बाथरूम के अंदर हूँ, बस प्लेट बाहर है, क्योंकि देखो इतना इतनी छूट तो मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। खाना मेरा टिफिन सर्विस से आता है, अच्छा बनाती है आंटी, पर आलू खिला खिला के आंटी ने शक्ल भी आलू जैसी कर दिया मेरी, कोई मेरी शक्ल पे भी मैदा मार के समोसा बना सकता है, क्या कह रहे हो? मैदा तो ऑलरेडी लगा रखा है, बहरा पसीने के साथ। गाना वाना मेरा हो गया है, मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। निशु तिवारी शेफ की तरफ से मैंने एक नई रेसिपी निकाली है, देखो तुमने आज तक बहुत तरीके रस पी होंगे लेकिन तुम्हें लड्डू का रस नहीं पिया होगा, तो मैं तुम्हें एक लड्डू का रस बना के दिखाऊंगी। ये मेरा पानी है और ये मेरा बेसन का लड्डू है, देखो लड्डू नॉर्मली भी खा सकती थी मैं, और मेरे अंदर भी तो चूर ले ना। इस लड्डू को तोड़ के खाऊंगी, अब देखो क्या होता है। ये इंडियन हैकर की मां बनी थी निशु तिवारी, पकड़ मेरे को जानता नहीं है। क्या बोला गया यार भाई, ये मेरा बन चुका है बेसन के लड्डू का रस, जो कि 24 घंटा मुझे बाथरूम बनाने में हेल्प करेगा कुछ भी, तो अब टाइम है इसे ट्राई करने। पाव कसम झूठ नहीं कहूँ, कभी झूठ नहीं करती, वो तो कैसी स्मेल ला दिया। एक मिनट, ये देख सकते हो, ये है मेरे लड्डू। Why are we still here? Just to suffer. No, God, please, no, no, no! अरे मैया मोरी, ये मैंने क्या पी लिया बना के? वो वाला पानी नहीं होता जब हम कहीं पार्टी पुटी में जाते हैं तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उल्टी हो जाती है, तो उल्टी के अंदर जो तरल पदार्थ निकलता है इसका देख के ही वैसा लग रहा है मुझे, इतनी गंदी मतलब इतनी ज्यादा मेरी हालत खराब हो गई है। और ओ शिट, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। जा नहीं सकती क्योंकि इस पे रह रहा है, ऊपर से पूरी सीट ऐसे देखो कैसे गिर गई, ये देखो डुबचिक डुबचिक हरी से डुबचिक डुबचिक, ये पूरी सीट ऐसे हो चुकी है। अगर अब ये थोड़ी सी भी हिली
तो ये पदार्थ देख रहे हो, सारा माल इसी में से ऊपर आ जाएगा। तो गाइज अब वक्त आ चुका है आग लगाने का गैस में। हरामी हो, पूरा सुन लिया करो, गंदा दिमाग तुम्हारा है, पूरा सुन लिया करो। देखो अभी शाम के 5 बज चुके हैं, ठीक है, तो अभी टाइम बीत रहा है, जितना हो सकता मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से, बट आप स्वेटिंग देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि शाम की चाय का वक्त हो गया तो चाय पी लेते हैं। तो भाई सिलेंडर मैंने वहाँ उस साइड को रखाया था, बताया नहीं था, बाद में बोलो कि यार दीदी सिलेंडर तो आपने दिखाया नहीं। होता है कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाते पर होती हैं। रेडी हो चुकी है जिसमें मेरी लगी है बहुत अखंड मेहनत, तो पी के भी देख लेते हैं। तो गाइस देखो मैं अत की बोर हो रही हूँ, तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि मैं इंस्टाग्राम पे आ जाती हूँ लाइव अपने अकाउंट पे, क्योंकि फिर मेरा एक घंटा कैसे बीत जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ लाइव जा रही हूँ और तुम लोग जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे आएंगे श्रुति वाली। ओके हे गाइस हाउ आर यू। सो गाइज अभी आप लोगों को थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा कि मैं ये कहाँ बैठी हुई हूँ, ये कैसा माहौल है, ये क्या चल रहा है, पीछे पानी कहाँ से बह रहा है, कौन सी नदी बह रही है यहाँ से। फैन है, पंखा हो हमारे क्या? देखो तुम शक्ल ही दिखा रहे हो, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा तुमसे बात करने में, शक्ल दिखा रहे हो वरना मैं तुम्हें रिमूव करूँ। चलो बाय टाटा, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम्हें शक्ल दिखानी है या नहीं दिखानी? तुम अरे मास्क लगा के शक्ल दिखा रहे हो, तुम मास्क लगा के शक्ल दिखाओगे? गाना सुना दो एक प्लीज, एक गाना गा दो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी तुम्हारे लिए। मैं और तुम, मैं पर आशिक तो तुम हो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1 और अब टाइम हो चुका है मेरी गुड नाइट का। गुड नाइट तो नहीं होने वाली बिकॉज इतनी गर्मी लग रही है, ट्रस्ट में कि मतलब बहुत भाप आ रही है यहाँ पे, तो बैड नाइट तो होने वाली है। तो अभी चलते हैं सोने, अपन आपको मिलेंगे सुबह। और ये है मेरी आज की चादर, क्योंकि मोटी चादर लेके तो मैं सोऊंगी नहीं इतनी गर्मी में। ये भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि मच्छरों का जो प्रकोप है उससे मेरी सुशील और सुंदर त्वचा बची रहे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार अभी बजे सुबह के 10:30 और चैलेंज खत्म होने में भी थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, तो अब मैं बस उठूँगी, फ्रेशन अप होंगी, नहाऊँगी धोऊँगी और वॉशरूम जाऊँगी, जो कि मैं ऑलरेडी वॉशरूम में ही हूँ बट वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो चैलेंज को यहीं पे एंड करते हैं, पूरा हो गया है लेकिन। तो आई होप आपने इंजॉय किया हो, तो क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा। अभी जाती हूँ फ्रेशन अप होने, ठीक है, बाय।